ये पंजराफुल पे काम हो रहा है, सिब्बी का मेन रोड है जो बारिशों में बहकर चला गया। तो अभी माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है कि यहाँ पे पानी आ रही है उस तरफ से, तो यहाँ पे मटेरियल डाला जा रहा है सीमेंट और बजरी, और वापस पानी की नज़र हो रहा है ये सारे। पता नहीं ये कौन सा ठेकेदार है और कौन सा फार्मूला या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये पैगाम देना चाहेंगे, शायद हो सकता है हमारी अक्ल काम ना कर रही हो, तो वो खुद जो हमारे आला हुकाम है वो आए, वो देखे क्या वाकई में ये कोई इंजीनियरिंग है या वाकई में इसमें कोई ऐसा केमिकल डाला गया है। वो आके फेसबुक पे मीडिया पे आके बताएं कि हाँ इस पानी में कोई केमिकल डाला है, कोई चीज़ ऐसा डाला है जिससे ये सीमा की बजरी रुकती है, तो हम लोग भी मुतमईन हों, क्योंकि अब तो हमारा दिल तो कांप रहा है कि ये किस तरह का काम है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अगर वाकई इसमें कोई, जैसा मैंने इनके इंजीनियर से बात की, उन्होंने कहा ये इंजीनियर जो ये मिक्सर वाला है कहता है जी इंजीनियर ने इसमें कोई केमिकल डाला है, समंदर में भी ऐसा काम चलता है। अगर ऐसे काम चलता है तो हम तो जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हैं सब हैरान हैं, शायद हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए और हम पीछे रह गए, हमें पता नहीं है। अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है तो आगे हमें भी बताया जाए, इतनी टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास है तो फिर ये आज तक हम इतने पीछे क्यों हैं? जहाँ जहाँ सैलाब आया था वहाँ वहाँ इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और फौरी तौर पर रोड बनाया जाए। अगर ये वाकई कोई टेक्नोलॉजी है तो आके बताया जाए कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम समंदर इसमें पानी में रेत बजरी सीमेंट डाल रहे हैं और वो ऐसे ही बहता जा रहा है। आप देख सकते हैं, ज़रा वीडियो दिखाओ ना, आप देख सकते हैं कि पानी कहीं से भी रुक। अब मैं तो कहता हूँ इनसे और भी बड़े काम करवाने चाहिए और इनको एक बड़ा इनाम मिलना चाहिए। ये जो आवाम के पैसों से सीमेंट बजरी और मजदूर और मशीनरी यहाँ पे लगी हुई और यहाँ पे ये हो रहा है, ये जा रहा है। हाँ बस।